वाले एपिसोड में बानी के लिए लौटेगी नागेश्वरी हिना खान। जी हाँ, नागिन 5 की शुरुआत में हिना खान नागेश्वरी नागिन के रूप में सामने आई थी। शो में उनकी आदि नागिन के जबरदस्त किरदार को लोगों ने भी खूब पसंद किया। शो में उन्होंने बानी के पिछले जन्म के किरदार को निभाया था, जो अपने नाग हृदय की मौत के साथ ही खुद को भी खत्म कर लेती है और अब भविष्य में बानी के रूप में अपने प्यार को पाने के लिए पुनर्जन्म लेकर आई है। लेकिन हिना के फैंस लगातार उन्हें शो में दोबारा देखने की मांग तक कर रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई शो में दोबारा लौटेंगी हिना खान? क्या आने वाले एपिसोड में नागेश्वरी की होगी धमाकेदार एंट्री? जी हां, इस सवाल का जवाब अब खुद नागिन सुरभि चंदना ने दिया है। जी हां, जानी मानी एंटरटेनमेंट पोर्टल टेलीचक्कर से बातचीत में सुरभि ने हिना को लेकर क्या कुछ कहा है, आप ही सुनिए जरा। सुरभि ने बताया, हिना ने शानदार काम किया है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जिस तरह से लोग हिना को लेकर शो की कहानी को लेकर बस क्रिएट कर रहे थे, वो मुझे काफी अच्छा लगा। मेरा मानना है कि हिना, मोहित और धीरज ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे खुद मोहित सहगल और शरद मल्होत्रा पर काफी जिम्मेदारी आ गई है और हम ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं फ्यूचर में नागिन 5 के लिए हिना खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन मैं उनके साथ शूट करना चाहूँगी। अब भाई फैंस के साथ साथ शो की नई नागिन बानी भी यही चाहती है कि फ्यूचर में उन्हें भी हिना के साथ काम करने का मौका मिले। ऐसे में क्या पता शो के मेकर्स आने वाले एपिसोड में हिना की दोबारा छोटी सी एंट्री करवा दे। हालांकि देखा जाए तो हिना का किरदार बानी के पिछले जन्म का किरदार था, जिसने अब नए रूप में जन्म लिया है। ऐसे में हो सकता है कि मेकर्स सतयुग के ही किसी ट्रैक को दोबारा दिखाकर हिना को शो से जोड़े, क्योंकि एकता कपूर के शो अपने जबरदस्त ट्विस्ट के लिए ही जाने जाते हैं। और जब बात नागिन फ्रेंचाइजी की हो तो एक तरह से ग्रैंड बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। फिर चाहे इसके लिए हिना को दोबारा शो से ही क्यों ना जोड़ना पड़े। और जब एक साथ टीवी की ये दो नागिन साथ आएंगी तो यकीनन टीआरपी के बहुत से रिकॉर्ड टूटने तय ही समझिए। वैसे तो उम्मीद की जा रही है कि नागिन 5 के अंत में हिना की दोबारा एंट्री की जाएगी। हालांकि अभी तो शो की शुरुआत ही हुई है और इसका एंड बहुत दूर है, लेकिन जिस तरह से सुरभि ने फैंस की तरह नागेश्वरी हिना के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है, उससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में शो में हिना की झलक फैंस दोबारा देख सकें। वैसे आप बताइए कि क्या आप नागेश्वरी और बानी की जोड़ी को नागिन 5 में एक साथ देखना चाहते हैं या फिर नहीं? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।